महाकवि कालिदास कला मंदिर नासिक में आज के इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित नासिक की समूह साध संग जियो, नासिक के इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अपने आप में ये एक ऐसा पहला कार्यक्रम है जो पहले कभी भी सिख संगत के द्वारा, नासिक की संगत के द्वारा, सिंधी संगत के द्वारा नासिक में आयोजित नहीं किया गया। और ये श्रेय जाता है बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, जो एक सोच लेके चले हैं कि अपने यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म देना है, अपने यूथ को एक नई राह दिखानी है, अपने यूथ को एक सफलता का मुकाम देना है, वो जिसका नाम है नई सोच नया आगाज। इससे पहले कि मैं आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करूं, आप सभी को सादर एक विनती करूंगा कि हम सभी बहुत ही प्रेम से प्यार से दोनों हाथ जोड़ के और शीश को झुका के गुरु साहब जी को याद करें और फतेह अर्ज करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अभिनंदन करता हूं और आपको एक विनती एक गुजारिश करूंगा कि ये प्रोग्राम बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक रहने वाला है। और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितना भी समय ये प्रोग्राम चलेगा, आप कृपा करके अपना ध्यान जो है वो स्टेज पर रखिएगा। हम शुरुआत करते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक ये बात मान रहे हैं कि शारीरिक सेहत से ज़्यादा बंदे को मानसिक तौर पे संतुष्ट होना चाहिए, मानसिक तौर पे तंदुरुस्त होना चाहिए। स्टडीज़ कहती हैं जो मनुष्य मानसिक तौर पे दृढ़ होता है, उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्याएं जो हैं वो भी छोटी हो जाती हैं। जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं तो गुरु साहब जगह जगह पर मन को बड़ा करने की बात करते हैं, मन को काबू में करने की बात करते हैं, मन को आनंद में लाने की बात करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का यही मोटिव है कि हमारा जो मन है वो चढ़ती कला में रहे, हमारा जो मन है वो आनंद में रहे। मुझे बहुत हैरानी हुई, हमारे पंजाब में PGI चंडीगढ़ है, तो उसका एक सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के जो नतीजे बहुत हैरानकुन करने वाले थे, विद्यार्थी कृपा करके इन बातों पे ध्यान दें। वो जो डॉक्टर थे PGI के, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर ही डिप्रेशन के मरीज पाए गए। जो लोगों को सेहत की बातें बताते थे वही मानसिक तौर पे मरीज पाए गए। आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। शारीरिक तौर पे देखने को बंदा सही लगता है, देखने को लगता है कि ये बहुत मजबूत होगा, इसका शरीर सही है, लेकिन वो मानसिक तौर पे जो है वो डिप्रेशन में होता है। महाराज वाणी में कहते हैं कि मन को तगड़ा करना है, मन को बड़ा करना है। जब हम जपजी साहब पढ़ते हैं संगत जी, तो जपजी साहब में गुरु नानक पातशाह जी ना चार बार एक बात कहते हैं। देखो, एक बात होती है एक बार कह देनी, लेकिन जो बात गुरु नानक पातशाह जिन्होंने सिक्खी का बूटा लगाया वो चार बार कह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। महाराज जी कहते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का। मेरे साथ बोलिए सभी, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। महाराज जी 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं पौड़ी में ये बात करते हैं। और इसकी
जब हम इसको पढ़ते हैं, जिसकी अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो ये बहुत डूंगी बात है। महाराज जी कहते हैं कि जो भगत होते हैं, जिनका मन गुरु के चरणों में लीन होता है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो हमेशा खेड़े में रहते हैं। आनंद की बात हम कर रहे हैं, मानसिक सेहत की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जब समय था, तो एक तरफ था दुनीचंद। तो दुनीचंद का जब हम जुस्सा देखते हैं, उसकी शारीरिक बंतर देखते हैं, बड़ी सुडौल थी। तो दुनीचंद अक्सर ये कहता था, महाराज जब भी दुश्मन इस किले के सामने आएगा तो आप देखना, मैं हाथी को पूंछे उठा के घुमा घुमा के फेंकूंगा। देखने को शारीरिक तौर के पे वो बड़ा लगता था। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भाई विचित्र सिंह जी को, वो शारीरिक तौर पे निर्बल थे, शारीरिक उनका बलवान नहीं था, लेकिन वो मानसिक तौर पे बहुत सेहतमंद थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो सोच थी, वो बहुत बड़ी की हुई थी। जब जंग का माहौल बनता है तो संगत जी क्या होता है, दुनीचंद भाग जाता है, जो देखने में अच्छा लगता था। तो दूसरी तरफ भाई विचित्र सिंह जी जो हैं, वो हाथी के सामने आके लड़ते हैं। ये क्या है, ये मन का तंदुरुस्त होना है, ये मन का बड़ा होना है, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि मन को बड़ा करना है, मन को बलवान करना है। भाई साहब भाई गुरुदास जी को जब हम पढ़ते हैं, तो भाई गुरुदास जी की रचनाएं बड़ी कमाल की हैं। जो बच्चे SSC का एग्ज़ाम देते हैं, IPS, IAS, IFS बनते हैं, मैं गुजारिश करता होता हूं कि उनको भाई गुरुदास जी को जरूर पढ़ना चाहिए। भाई गुरुदास जी की दो रचनाएं हैं, जिसमें भाई गुरुदास जी की वारें हैं और कवित स्वयं हैं। भाई गुरुदास जी ने सात संगत जी तीन उदाहरणें दी हैं, तीनों बहुत कमाल की हैं और तीनों मन के साथ संबंधित है। मैं बार बार विनती कर रहा हूं, आज बड़ी समस्या है कि लोग डिप्रेशन में हैं, लोग मानसिक तनाव में हैं, कहीं आनंद नहीं मिल रहा, कहीं अंदर का खेड़ा जो है वो गुम हो गया है। डाइनिंग टेबल जो है वो 14-14 कुर्सियों के हैं घर में, लेकिन सभी अपने अपने कमरे में जाके खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के कोई भी नहीं खाता। जो ये परिवार में बातें आ रही हैं, नई सोच नया आगाज का मंतव्य यही है कि हम वो परिवार की जो दूरियां उनको कम करें, समाज में आनंद लेके आए, हमारा यूथ जो है वो सही राह पे चले। मैं बात कर रहा था मन की। भाई गुरुदास जी ने तीन उदाहरणें दी हैं। पहली उदाहरण भाई गुरुदास जी देते हैं, वो कहते हैं संग मिल चले, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं संग मिल चले, निर्विघ्न पहुंचे घर, बिछरे तुरंत बंटवारो मार डार हैं। मन की बात है इसमें। पुराने समय में क्या होता था कि जब लोग ट्रैवल करते थे बैलगाड़ियों पे, घोड़ों पे, इतनी सुरक्षा रास्ते में नहीं होती थी, तो वो जो राजा होता था, उनकी तरफ से ना ट्रैवल करने वाले काफले को एक हदायत दी जाती थी कि जब भी आपने ट्रैवल करना है, एक जत्थे के रूप में करना है, एक काफले के रूप में करना है। होता क्या था, काफला बड़ा होता था, चोर या डाकू छोटे होते थे, वो काफले को लूटने से डरते थे। जब अकेला बंदा निकलता था तो उसे वो लूट लेते थे। भाई गुरुदास जी ने वहां से उदाहरण ली सत्संग जी। भाई गुरुदास जी कहते हैं जैसे बंदा काफले के साथ चलता है तो वो अपने टिकाने पे पहुंच जाता है, उसका माल असबाब सुरक्षित रह जाता है, लेकिन जब वो अकेला जाता है उसको लूट लिया जाता है। पहली उदाहरण ये दी। दूसरी उदाहरण भाई गुरुदास जी ने जो दी है, वो कहते हैं जैसे बार दिए खेत, छुवत ना मृग नर, छेड़ी भये मृग पंछी खेत हैं उजाड़ हैं। मैं संगत से एक बार विनती करूंगा कि आपको आनंद आ रहा है, आ रहा है जी, मैं जयकारा बुलंद करूंगा, आपने उसकी आवाज देनी है। बोले सो निहाल। देखिए, मैं हूं शिष्य गुरु साहब जी का और मैं प्रेरणा ले रहा हूं भाई अमनदीप सिंह जी से। जब वो आएंगे माहौल कुछ और ही बनेगा, और बहुत जल्दी मैं उनको आपके रूबरू कर रहा हूं। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समापन पे लेके जा रहा हूं। दूसरी उदाहरण भाई गुरुदास जी देते हैं, कहते हैं कि जैसे बार दिए खेत। अभी भी मैं देखता हूं हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जो खेती बाड़ी बहुल इलाके हैं, वहां पे गाय से खेत को बचाने के लिए क्या किया जाता है, खेत के इर्द गिर्द बाड़ दे दी जाती है,
चाहे पौधे लगा दिए जाते हैं, चाहे लोहे की तार लगा दी जाती है। वो क्यों लगाई जाती है? कि जो मृग हैं, ये जो पशु हैं, वो खेत को उजाड़ ना दें। दो उदाहरणें होगी, पहली होगी जो संघ के साथ चलना चाहिए, दूसरी होगी कि खेत में बार दी हुई है। तीसरी उदाहरण भाई गुरुदास जी देते हैं, पिंजरे में सुआ जैसे राम नाम लेत हेत। सुआ का भाव होता है तोता। भाई गुरुदास जी कहते हैं जैसे तोता पिंजरे में होता है तो वो राम का नाम लेता है, जब उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए तो वो उड़ना तो जानता नहीं होता, तो उसे बिल्ली खा जाती है, वो खत्म हो जाता है। ये तीन उदाहरणों के बाद भाई गुरुदास जी कहते हैं कि अपने इस मन को अच्छे विचारों का के तले रखना चाहिए, इसको अच्छे विचारों के बीच रखना चाहिए, इसके इर्द गिर्द जो पॉजिटिविटी रखनी चाहिए ताकि ये बचा रहता है, नहीं तो इसका हश्र बहुत बुरा होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, वो इसको ख़त्म कर देता है। इसलिए अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए। मैं एक छोटी सी ना आपके साथ कहानी साझी करूँगा और फिर उसके बाद मैं अंतरप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह आपके साथ एक शब्द गायन करेंगे, धार्मिक गीत है वो गायन करेंगे। एक ना सात संगत जी सुनना, अच्छे थॉट्स क्या होते हैं। एक राजा था तो वो थोड़ा बुजुर्ग हो गया, उसके तीन पुत्र थे। तो जब राजा बुजुर्ग हो गया तो उसने देखा कि मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है तो इसको संभालेगा कौन, तीन पुत्र हैं, तीनों में बांटूंगा तो लड़ाई पड़ जाएगी, पता नहीं कैसे कोई इसको बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, तीनों में लड़ाई पड़ेगी तो दुश्मन जो है मेरे साम्राज्य को हड़प जाए। जब घर में लड़ाई हो जाती है ना जी, तीसरे बंदे को मौका मिल जाता है। यहाँ की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे पंजाब में जब दो भाइयों की लड़ाई घर से बाहर आती है ना, तो गांव के जो पंच सरपंच होते हैं उनको चाह चढ़ जाता है कि अभी वहां से कुछ खाने को मिलेगा। वो एक भाई को दूसरा कान भरता है, दूसरे भाई को दूसरा कान भरता है, उन दोनों की लड़ाई के बीच में से अपनी वो सियासत ढूंढ रहे होते हैं। वो उन लोगों से बचना चाहिए। ये राजा जो था ये सियाना था, इसने सोचा कि मेरे घर की बात है, क्यों ना मैं घर के अंदर ही इसको समेट लूं। जो अच्छी फैमिलीज होती है ना, जिनके बुजुर्गों ने उनको अच्छी तालीम दी होती है ना, वो जब भी कोई घर में विपता पड़ती है वो अंदर बैठ के बात को सुलझाया करते हैं। वो ये राजा अच्छा था, तो इसका एक सलाहकार था, सलाहकार भी बुजुर्ग था। तो राजे ने कहा कि मैं अब क्या करूं, मेरे तीन बच्चे हैं, इनमें कैसे वितरित करूं सब कुछ। तो राजे के वजीर ने कहा कि मैं ना ऐसा करता हूं, आपके बेटों को दरबार में बुलाऊंगा, उनके सामने बात करूंगा। लो जी, अगले दिन राजे ने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुला लिया। जब दरबार में बुलाया तो वजीर ने यह बात कही कि महाराजा साहब, मैं इनको एक इम्तिहान दूंगा, ध्यान से प्लीज ये बात सुनिएगा। वजीर ने कहा कि मैं इनको एक इम्तिहान दूंगा, जो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा उसको राज अपना राज्य साम्राज्य दे देना। राजे ने कहा कि बेटा तुम चाहते हो कि हमारा राज्य खत्म हो जाए? वो कहने लगे, नहीं पिताजी हम नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि दुश्मन हावी होके तुम्हारे घर को बर्बाद कर दें? वो कहते, पिताजी हम नहीं चाहते। पिताजी उनके राजा कहता कि फिर आपका एक इम्तिहान लेंगे। क्या इम्तिहान था? वजीर ने, राजे के सलाहकार ने तीनों को 100-100 रुपया दे दिया। देने के बाद ये कहा कि जो इस 100 रुपये से महल को भर देगा वही इस साम्राज्य का अगला वारिस होगा। पहले ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं कैसे भरूंगा 100, और एक हफ्ते का समय दे दिया। मैं बात मन की कर रहा हूं, अच्छे थॉट्स की बात कर रहा हूं। तो उसको दे दिया 100 रुपया पहले को। वो अपने दोस्तों के पास गया तो उसके दोस्त जो थे वो थोड़े जुआरी किस्म के थे, वो थोड़े अयाश किस्म के थे। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये में इतनी जल्दी महल कैसे भरेगा? हम एक कार्य करते हैं, जुआ खेलते हैं, जुए से हो सकता है हम जीत जाएं, ज़्यादा पैसे आएंगे, उनसे हम अपने घर में सामान लेके घर को महल को भर लेंगे। ये बात हुई, वो जुआ खेलने के लिए गया, 100 रुपया हार गया। दूसरा जो था वो, उसके भी कुछ संगत थी, उसके भी दोस्त अच्छे मित्र नहीं थे। उसने कहा कि मैं शहर से जितने भी कूड़ा करकट उठाने वाले हैं उनको लाऊंगा, जितना भी कूड़ा करकट होगा उसको मैं महल में फेंक दूंगा, महल को भर दूंगा। ये हो गया। तीसरे की जब बात आई तो उसने एक तरकीब सोची और उसने कहा कि पिताजी जिस दिन आप दरबार में आएंगे सभी, तो मैं उस दिन आपको अपना उत्तर दूंगा। लो जी, अगले दिन सारे दरबार में आ गए। वजीर ने यह बात कही कि पहले ने ऐसे किया है कि वो जुए में सारे पैसे हार गया, ये राज का वारिस नहीं हो सकता।
हो सकता है ये जुए में सारे राज को ख़त्म कर दे। दूसरा जो है उसकी जैसी गंदी सोच है उसने सारा महल गंदगी से भर दी है, इसलिए ये भी वारिस नहीं हो सकता। तीसरे को पूछा तू क्या कर सकता है, उसने कहा पिताजी मैं पूरे घर में 100 रुपए के दिए जला दूंगा, मैं पूरे घर में इत्र का छिड़काव कर दूंगा और उस ज्वाला से उस रोशनी से पूरा घर जो है वो भर जाएगा। तो राजे ने कहा ये मेरे राज्य का असली वारिस है, इसके थॉट्स अच्छे हैं, इसके मन में ख्याल अच्छे हैं, जो अपने महल को रोशनी से भर सकता है वो पूरे साम्राज्य को भी रोशन कर सकता है, वो पूरे साम्राज्य को इत्र से खुशबू से भर सकता है। ऐसे राजे ने उसको अपना जरा जो है साम्राज्य दे दिया। बात है मन की, आपके अंदर ख्याल कैसे हैं, आपके अंदर सोच कैसी है, वो आगे बात भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी करेंगे। अब मैं बेनती कर रहा हूँ अंतरप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह, एक धार्मिक गीत है वो आपके सामने आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप सारी संगत के दर्शन करके, आप जितने भी दूर से आए हैं नज़दीक से आए हैं सभी को मैं एक बार फिर से हृदय से नमन करता हूं, वेलकम कहता हूं, अभिनंदन करता हूं। आओ अंतरप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह से धार्मिक गीत है जो वो सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोच नवाया गास एहो वक्त दी है आवाज, नवी सोच नवाया गास एहो वक्त दी है आवाज। नशियां तो दूर है रहना, माड़ी बैणी न किसे दी बैणा, समाज कर गुरु नानक अगे अरदास। नवी सोच नवाया गास एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। साढ़े गुरुआ पीरा दाए मुड तो कहना है, साढ़े गुरुआ पीरा दा है मुड तो कहना है। चंगी संगत दे विच बच्चियो सदा ही बैणा है, माड़े कम तो सदा है डरना, सेवा सिमरन सदा है करना। रखनी लाज हर दिल ते करना राज, नवी सोच नवाया गास एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। सब हा पाई पाई प्यार वाले जगा के चिराग, चंगे जगते करिए काज, नवी सोच नवाया गास एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। माड़े पासे ती पुत जद किसे दा तुरदा
ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਇਆ ਗਾਸ ਇਹੋ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੱਥ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ ਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪੈਣਾ ਵਿਦਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਕੋ ਜੋ ਮੋਟੋ ਹੈ ਨਈ ਸੋਚ ਨਯਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨੋ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੇ ਲੈ ਲੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਵੋ ਸੀਟ ਉਨਕੋ ਔਫਰ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੋ ਵੀ ਬੈਠਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਯੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਉਸਕੋ ਮਾਨੇਂਗੇ ਆਗੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ ਵੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਥੇ ਨਾਟਕ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖਾ ਕਰਤੇ ਥੇ उन्होंने अपने बचपन की एक वार्ता एक गाथा सांझी की वो कहते हैं कि जब पंजाब में शिक्षा दी जाती थी तो वो गुरुद्वारों में दी जाती थी गुरुद्वारों में पंजाबी पढ़ाई जाती थी तो कहते मेरी माता ने मुझे गुरुद्वारे में भेजा जीवन का केंद्र क्या होना चाहिए मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ वो कहते हैं मेरी माता ने मेरे को गुरुद्वारे में भेजा तो गुरुद्वारे में एक निहंग सिंह आते थे पढ़ाने के लिए वो कह रहे थे मैं पाँच दिन पढ़ने के लिए गया लेकिन निहंग सिंह नहीं आए कह रहे मैं छठे दिन गुरुद्वारा साहब गया तो मैंने क्या देखा एक सफ़ेद घोड़े पे एक निहंग सिंह नीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत सुंदर उनकी सफ़ेद दाढ़ी बहुत प्यारा उन्होंने दुमाला सजाया हुआ है और हाथ में एक तीखा बर्छा है नेजा है वो आते हैं कहते गुरुद्वारे में उनकी एंट्री होती है जब वो आते हैं तो सभी बच्चे एक साइड में हो जाते हैं तो निहंग सिंह को फतेह बुलाते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहते निहंग सिंह भी उनको कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तो वो सभी बच्चों से अलग करके मेरे को पूछते हैं बलवंत गार्गी जी ये बात करते हैं वो कहते हैं निहंग सिंह मेरे को पूछते हैं तुमने क्या सीखा बलवंत गार्गी जी कहते हैं बाबा जी आप तो पाँच दिन आए नहीं तो मेरे को पाँच दिन हुए आते को तो मैंने सीखना क्या था मैंने कुछ नहीं सीखा आप कुछ सिखाओगे तो मैं सीखूंगा बलवंत गार्गी जी कहते हैं उन निहंग सिंह ने अपने नेजे को ऐसे जमीन पे किया और एक ओंकार जमीन पे लिख दिया और मेरे को कहा इसकी परिक्रमा कर और इसको माथा टेक बलवंत गार्गी जी कहते हैं कि वो लम्हों को मैं कभी भूल नहीं पाता वो कहते हैं मैंने वैसे ही एक ओंकार को ऐसे परिक्रमा की कहते उसको मैंने नमन किया माथा टेक दिया ये बात उन्होंने तब की जब वो पूरी दुनिया को घूम चुके थे तो बलवंत गार्गी जी कहते हैं कि ये मेरा पहला लेसन भी यही था एक ओंकार अब मैं पूरी दुनिया को घूम के घर आ गया हूं आज भी मेरा आखिरी लेसन भी यही है एक ओंकार कहने का भाव ये है कि ये सारी कायनात उस एक परमात्मा से चलती है वो परमात्मा जो आनंद का घर है वो परमात्मा जो एक ओंकार है सारी दुनिया में रम रहा है उसी की बात करने के लिए वैसे ही निहंग सिंह जैसे
एक दरवेश शख्सियत जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे आध्यात्मिक आगू भी हैं, जिनकी एक सोच है कि यूथ को मोटिव किया जाए, जो एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हमारे घरों में समृद्धि आए, हमारे घरों में गुरसिक्खी आए, हमारे घरों में खुशियाँ आए, हमारे घरों में शांति आए, हमारे घरों में बाबा दीप सिंह जी की कृपा हो। पंजाब में बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए हैं जो समाज सुधार के क्षेत्र में हैं, धर्म के क्षेत्र में हैं। मेरी मुराद, मेरे बड़े ही अजीज़ जिनको हम बहुत देर से इंतज़ार जिनका कर रहे हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हम बेताब हैं, भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी आपके समक्ष आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। और मैं भाई साहब भाई अमनदीप सिंह होरा को बेनती कर रहा हूँ, वो आपके सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको जी आयन कहता हूँ। और उनको अभी मैं ये स्टेज जो है सौंप रहा हूँ, अगली जो बात वो आपके साथ कर रहे हैं बहुत ही सत्कार योग। भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी आप जी के दर्शन कर रहे हैं। सत श्री अकाल। हमारे बहुत ही सत्कारयोग जथेदार बाबा रणजीत सिंह जी जो गुरुद्वारा गुप्सर के मुख्य सेवादार हैं, लंगर साहिब के वो आए हैं, उनको हम जी आया कहते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। आओ भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी आपके दर्शन कर रहे हैं। एक जयकारा बुलंद करूंगा, बोले सोनिहार। आओ जी सारे बड़े प्यार के साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। जितनी यहाँ पे कैपेसिटी है बैठने की, उससे भी ज़्यादा गिनती में आप खड़े हो, बैठे हो, और फतेह की आवाज़ थोड़ी सी ढीली आई है। जितने बच्चे ऊपर भी बैठे हैं, सामने भी मेरे संगत बैठी है, नौजवान बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, मैं फिर से दोबारा फतेह बुलाऊंगा। और मेरी बिनती, जितना जोर लगा सकते हो ना, जोर से फतेह का जवाब फतेह में दे। सारे प्यार से आखो जी वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह वाह, नई सोच, नया आगाज। वैसे तो सारी संगत को इस बात का पता है कि जब भी हम कहीं पे कीर्तन करते हैं, मैं गुरमुखी भाषा में बोलता हूँ, पंजाबी में बोलता हूँ, मगर यहाँ पे बहुत सारी सिंधी संगत भी है और छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं महाराष्ट्र में, नासिक में विशेष करके, उनको गुरमुखी की कम समझ लगती है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर मैं आज हिंदी में बोलूँ तो मुझे गुरु की खुशी मिलेगी। तो प्यारे हो, मुझे गुरु बाबा नानक जी याद आए। मेरे गुरु नानक जी का मिशन ही ये है, पता क्या, कि जिधर भी मेरा गुरु बाबा नानक गया, उनको उनकी ही बोली में समझाया। हिंदी में भी गुरबाणी उच्चारण की, सिंधी में भी गुरबाणी में शब्द हैं, संस्कृत, फारसी, अरबी, कितनी भाषाओं में सदगुरु गुरु नानक साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने हमें समझाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं। तो पिता के बच्चे हैं हम, हमारा भी मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जनरेशन गुरु के चरणों से जुड़े। तो आओ आज इस मोटिव को लेके नई सोच, नया आगाज़, कामयाबी की सीढ़ी। मेरे मन में एक वलवला था, एक उमंग थी, वो क्या कि किसी ना किसी बहाने न्यू जनरेशन को बस एक धागे में पिरोया जाए। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में सदगुरु लेके आए, और ऐसा ही एक प्रोग्राम हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले अमृतसर में किया। आज ये दूसरा प्रोग्राम हो रहा है, और मन को इतनी प्रसन्नता हो रही है आपके दर्शन जो मैं कर रहा हूँ गुरु की मेहर से। एक बार जो रोज 3 से 4 देखते हो ना प्रोग्राम दोपहर को, उनको पता है, एक बार मैं आपसे पूछूंगा तो जयकारा ला के जवाब देना, कायम हो। हाँ, वाह वाह, देखो जो जो देखते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं जी, कायम हो। हाँ, अब ऊपर वाले भी हाथ खड़े करके, हाँ, जयकारे के साथ जयकारे की लड़ाई हो गई आपके, हैं? हाँ,
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। तो मैं आज की ये बात शुरू करूं। हाँ बच्चे जो आ रहे हैं ये सीढ़ियों में भी बैठ रहे हैं, जहां पे भी जगह मिले बस बैठते जाओ गुरु की मेहर से, जिधर जिधर भी जगह मिले। तो अब ध्यान देना, एक एक मेरे वर्ड को यत्न करना, एक एक मेरा लफ्ज आपके शरीर रूपी मन रूपी खेत के अंदर ये जो एक एक वचन मेरा जाए बाहर ना गिरे, ये विनती है मेरी। महापुरुष भी बैठे हैं और संगत भी, ध्यान देना। हर टाइम एक आस सी लगी रहती है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, हर टाइम एक आस सी लगी रहती है कि मैं वो काम मैंने करना है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। ये आध्यात्मिक काम भी और दुनियावी काम भी। आध्यात्मिक काम, पई परापत मानुख दे होरिया गोविंद मिलन की ए तेरी परिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। अध्यात्मक काम संगत करना, अमृत वेले उठना, बाणी पढ़नी, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना। और दुनियावी काम, अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये इनका दुनियावी काम, डट डट के अपनी फील्ड में मेहनत करनी। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती करता है, जैसे जैसे परमेश्वर ने उनके मस्तक पे ये किरत लिखी है वैसे वैसे सारे किरत कर रहे हैं। सुनियो, ये बड़े प्यारे खूबसूरत लफ्ज हैं। हर टाइम एक आस सी लगी रहती है कि मैंने वो काम करना है जिसके लिए मैंने जन्म लिया, चाहे वो दुनियावी काम चाहे वो आध्यात्मिक काम। एक बेचैनी सी अंदर बनी रहती है, बेचैन रहता है मन। अगर फेल हो गया है जी, मैं दुनियावी काम कर रहा हूं, अगर फेल हो गया, मैंने आज ये बिजनेस शुरू किया, अगर इस बिजनेस में मैं फेल हो गया, आज मैं प्लस टू में हूं, अगर मैं फेल हो गया, कई बार आती ना माइंड में बात, टेंशन नहीं लेनी। अगर तीन से चार दोपहर प्रोग्राम नहीं देखते ना, डेली देखा करो पीटीसी सिमरन पे, ये मेरी विनती है। दोपहर तीन से चार और रात दस से ग्यारह उस प्रोग्राम में मैं नेता प्रति यही बात बोलता हूं, किसी भी बात को यहां पे मत आने दो, टेंशन के रूप में ना आने दो, चिंता नहीं, चिंतन बढ़ाओ। आखो धन गुरु रामदास जी, सारी संगत बोलो धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखो जी धन बाबा दीप सिंह जी। सुनियो, बेचैनी सी अंदर रहती है, अगर फेल हो गया, अगर मैं अपना मिशन पूरा किए बिना इस धरती से चला गया, अगर मुझे कुछ भी ना मिला, मैं बर्बाद हो गया, क्या बनेगा मेरा? अगर फेल हो गया क्या बनेगा मेरा? तो एक मैं विनती करूं प्यारे, ओ हर वक्त अपने अंदर चढ़ती कला रखा करो। चढ़ती कला समझते हो ना, जो तो संगत करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, करते हैं, उनको तो पता है, न्यू जनरेशन को नहीं पता। चढ़ती कला क्या? हर टाइम अपनी जो विल पावर है उसको गिरने नहीं देना, हर टाइम चढ़ती कला में रहना है। अपने माइंड में ये बात रखो, अगर मैं फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये फेल लफ्ज भी पता मुझे क्या कह रहा है, एफ मुझे कह रहा है फिर आऊंगा, फिर आऊंगा इसमें दोबारा। आखो वाहिगुरु जी, फेल लफ्ज क्या कह रहा है? फिर आऊंगा इसमें दोबारा। अगर एक बार मैं कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। अगर दोबारा भी मैं कामयाब नहीं हो पाया, तीसरी बारी मेहनत करूंगा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारनी, ये मेरी विनती है। देखो हमारे पास 20 चाबियां पड़ी हैं, 20 ताला खोलने वाली, हमने 18 लगा ली, 19 लगा ली, उसके बाद हिम्मत ना हार, 20वीं भी लगा, ताला इसी से खोलेगा है जी। हम कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, हाय अब क्या बनेगा, ऐसे नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आखो धन गुरु रामदास जी। और अगर ये बात सोचोगे ना, अगर बर्बाद हो गया, फेल हो गया, रिस्क नहीं लोगे, तो जो रिस्क नहीं लेते उनको कभी भी कुछ नहीं मिलता। कोई भी फील्ड है, चाहे कोई कीर्तन करता है,
चाहे कोई बिजनेस कर रहा है रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। आप जितने ऊपर बैठे समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर समझ रहे हो तो दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ शाबाश, एक जकारा भी लगाओ प्यार से। हाँ सो निहाल, जो लोग रिस्क नहीं लेते ना प्यारे हो उनको कभी भी कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो प्लानिंग नहीं करते उनको भी कभी कुछ नहीं मिलता। प्लानिंग भी जरूर करो, आज की भी करो कल की भी करो, मगर प्लानिंग जरूर करो, चाहे थोड़ी करो, ये मेरी विनती है। और जो लोग किस्मत को रोते रहते हैं ना उनको भी कुछ नहीं मिलता। कई बारी हम कहते हैं ना, अगर जो भाग्य में लिखा ही नहीं हमें कैसे मिल जाएगा, हैं जी, कई बार कहते हैं ना कि भागों में लिखा ही नहीं हमारी तरक्की तो कैसे हो जाएगी। ये तो सच्ची बात बोलूं, गुस्सा मत करना, ये तो आलसी लोग ऐसी बातें बोलते हैं। ये हमारे बाबा नंद सिंह जी महापुरुषों का वचन है, कहते अकेली किस्मत ही कुछ नहीं, उद्यम की भी जरूरत है। उद्यम कर, उद्यम। मैं एक दिन जा रहा था, आपकी दी हुई गाड़ी में बैठा, मेरे सामने ना एक ट्रक जा रहा था। ट्रक के पीछे कई बातें लिखी होती हैं, कई जगहों पे तो लिखा होता है नजर लाएंगा तो जुत्ती खाएंगा है? चलो वो भी बातें हम पढ़ते हैं मगर उनको इग्नोर करते हैं। मगर जहां से मुझे गुण मिले वो मैं गुणों को ग्रहण जरूर करता हूं। ट्रक जा रहा था मेरे आगे, तो उस ट्रक के पीछे पता क्या लिखा था, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बात, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये लिखा था। अब जब मैंने ये बात पढ़ी, बच्चों ध्यान देना, जो ऊपर भी बैठे पीछे भी बैठे सारे, जिधर जिधर भी आपको जगह मिली है ना, बस एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना। और मुझे ये इतना विश्वास है, आए तो यहां पे शायद कई खाली हैं, मगर जब जाओगे ना, मुझे इतना विश्वास है खाली नहीं जाओगे, गुरु की मेहर आपके साथ ही जाएगी। मगर तब मेहर साथ जाएगी अगर प्यार से सुनोगे। यहां पे बैठे मोबाइल बंद कर दो, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं यूज करनी, फोन साइलेंट मोड पे करो, जेब में डाल के रखो। और 200-300 की टिकट ली हो ना फिल्म देखने की, बंदा 15 मिनट पहले पहुंचता है, एक भी वर्ड मेरा मिस ना हो जाए, एक डायलॉग मेरा मिस ना हो जाए, एक सीन ना मिस हो जाए, ऐसा ही होता है ना। अगर फिल्म वाले 3 घंटे में इंटरवल भी ना करें तो हम कभी पॉपकॉर्न खाने के लिए भी ना उठें, है जी, सही बात है ना। क्यों ना उठें, क्योंकि मैंने 250-300 खर्च किया है, 250-300 की तो फिक्र है, मगर प्यारे हो ये जो लाखों करोड़ों रुपए दे के ये दोबारा समा नहीं आएगा हाथ में, इसकी भी फिक्र रखो, और बहुत कीमती समा है। अब मैं जो बात कर रहा था, वो ट्रक के पीछे ना जो लिखा था, क्या बताए हो जरा, बोल के बताओ क्या लिखा था। हाँ, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये लिखा था। अब जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैं टेंशन में आ गया, 2 मिनट के लिए मेरे अंदर सोच आ गई। मैंने कहा यार अगर समय से पहले नहीं मिलना, भाग्य से अधिक नहीं मिलना, तो कभी किधर कीर्तन करने जाते हैं, कभी किधर सत्संग करने जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, हजारों संगत के प्रेमी आते हैं, आगे आगे आके मिलते, जी हम आपके परिवारक मेंबर हैं, कोई अमृत वेले उठ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा, कोई सुन रहा, कोई सेवा करता, कितने काम गुरु घर के हम करते हैं। मैंने कहा अगर समय से पहले नहीं मिलेगा, भाग्य से अधिक नहीं मिलेगा, तो छोड़ो फिर हारमोनियम, छोड़ो बाजे, बैठते घर में। ये मेरे अंदर सोच आ गई। और मेरा एक स्वभाव है, जब भी मेरे अंदर कोई सोच आवे ना, तो मैं एक पाठ जपजी साहिब का करके, जो पत्ते पत्ते में बस रहे हैं बाबा दीप सिंह जी, उनके चरणों का ध्यान धर के मैं अरदास करता हूं। गाड़ी में मैं जा रहा था, एक पाठ जपजी साहिब किया तो अरदास की, मैंने कहा शहीद सिंह आप बुद्धि में आओ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लिखा है समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता,
ये टेंशन में आ गया दिमाग कि अगर समय से पहले नहीं, भाग्य से अधिक नहीं, तो फिर क्यों हम गुरुद्वारे आते हैं, क्यों धार्मिक कार्य करते हैं, क्यों दान पुण्य करते हैं। तो जब मैंने अरदास की ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे शहीद सिंह मेरी बुद्धि में आके मुझे जवाब दे रहे। पता क्या कहते, बेटा ये जो लिखा है ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये उनके लिए लिखा है जो कच्चे गुरुओं का संग करते हैं, कच्चे गुरुओं का। मगर जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से जुड़ गए, गुरु नानक के मिशन से जुड़ गए, हैं जी, अमृत वेले से जुड़ गए, गुरु के इतिहास से जुड़ गए, गुरमत आशय अनुसार जिन्होंने चलना शुरू कर दिया और अपना भरोसा गुरु नानक के ऊपर, गुरु रामदास के ऊपर बना लिया, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। जिनके ऊपर होती है समय से पहले भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, उनके ऊपर जिनके गुरु कच्चे हैं। मगर जिनका गुरु गुरु नानक है, जिनका गुरु गुरु रामदास है, मेरा गुरु रामदास इतना बड़ा है समय से पहले भी देता है, और जो भाग्य में दात ना भी लिखी हो उसके साथ भी झोलियां भरने की पावर रखता है। मेरी विनती है, विनती ऐसे किस्मत के ऊपर अपने आप को मत फेंका करो, किस्मत के ऊपर बस अपनी डोर छोड़ दी, नहीं 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 नहीं, मेहनत करो, मेहनत। अकेली किस्मत ही कुछ नहीं, उद्यम की भी जरूरत है। अब बच्चे बैठे हैं, मान लो किसी का 10th का एग्जाम है, अब बच्चे ये बात बोले अगर किस्मत में लिखा होगा तो मैं 10वीं पास कर लूंगा, ऐसे थोड़ी होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना जी, सच्ची बात है ना, किताब तो खोलनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस पढ़ाई को अंदर बसाना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। अब मेरे आगे रोटी का थाल पड़ा है, अब मैं ये बात बोलूं अगर किस्मत में लिखा है तो ये रोटी मैं खाऊं, ऐसे थोड़ी, उद्यम कर। थाल आगे आ गया, अब रोटी को तोड़, सब्जी लगा, मुंह में डाल, दांतों के नीचे रख के उसको चबा, चबाने तक काम तेरा है, उसके बाद उसकी कृपा चलती है। जब तूने उस गराई को अंदर लिया, उसके बाद उसका खून बनाना है, उसकी वेस्ट होनी है, जो भी, फिर उसकी ड्यूटी है। मगर उद्यम तो तुझे करना पड़ेगा, उद्यम के बिना बात नहीं बनेगी। ये मेरी विनती है, जो बंदे किस्मत को रोते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मिलता। कभी भी किस्मत के ऊपर दोष ना दो। अब गुरु की वाणी से पूछो कि भाई अमनदीप सिंह जी कह रहे जी किस्मत को दोष ना दो, गरीब निवाज आप क्या कहते? महाराज कहते दद्दा दोष ना देहूं किससे दोष कर्मा अपने आ, अपने आ। कई बार हम कहते ना फलाने के कारण ये मेरा हाल होगा, और किसी के कारण कोई हाल नहीं होता, ऐसे होवे। कई कहते ना मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है, हैं जी। तो जब इलेक्शन होते हैं तो एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट पे ऐसे काला जादू करे, उसको बिठा दे, आप आगे आ जावे, है जी, सच्ची बात है ना। फिर प्रधानमंत्री अगर बनना है हमारे देश का, फिर ऐसे ही बने। ये बातें बिल्कुल उन लोगों की है जिन्होंने ना कुछ किया है और ना कुछ करेंगे। ये मेरी बेनती, अपनी फील्ड में डट के मेहनत करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकेगी आगे बढ़ने से, है जी। आखो तन गुरु रामदास जी। मगर मेहनत का रास्ता तो है बड़ा कठिन, है जी, मेहनत का रास्ता कठिन है ना। बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए सारे यही चाहते हैं। हमारे साथ जत्थे में भी कोई शामिल होता है ना, उसके अंदर यही बात होती, भाई साहब तो जहाज में जाते मैं आया हूं, जैसे इनका रुतबा हो गया मेरा भी पहले दिन से हो जाए, ऐसे नहीं होता, नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी फील्ड है चाहे वो आपकी फील्ड है। मेहनत के रास्ते पे चलना, उद्यम करना प्यारे ओ, ये कठिन काम है, मगर कोशिश तो करो। छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में होंगे, किसी के पोते हैं, पोतियां हैं, अपने बच्चे हैं, प्ले पेन में जब डालते हो तो जब ए लिखना सिखाती है टीचर,
बच्चे को तो मेहनत करनी कठिन लगती है, मगर जब डेली रूटीन वाइज मेहनत करता है तो अपनी फील्ड में आगे बढ़ता जाता है। ये मेरी बेनती है, डट डट के मेहनत भी करो, चाहे आप पहली बारी कोशिश कर रहे हो ना, करो। किसी भी काम से घबराओ ना, नया काम है, उस काम को करने में ठोकर भी लगेगी, ठोकर की भी परवाह ना करो। और सच्चाई है, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, मुश्किलों की भी परवाह ना करो। और एक बात बोलूं, प्यारे हो, मेहनत के रास्ते पे चलने के वक्त हो सकता है लोग आपका मजाक भी बनाएं, हो सकता है लोग मजाक भी बने, ये कैसी नई बात ही करता है जी, ये तो बस रोज दिन ही आए दिन ही ऐसे काम करता है, असल में उनसे आपकी मेहनत बर्दाश्त नहीं हो रही, मजाक भी करेंगे कई लोग। ना मजाक से डरो, ना प्यारे हो उनके जो रोष वाले स्वभाव से डरो, क्योंकि दुनिया अनस्टेबल है, अनस्टेबल। आज जो प्यारे हो आपको रोकते हैं ना, जब आप अपनी फील्ड में कामयाब हो जाते हो ना, वही आपकी तारीफें करनी शुरू कर देते हैं, कांधे पे शाबाश देते हैं, नहीं भाई हमें तो पक्का विश्वास था तू आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अकेली यही बात नहीं करते, अकेली शाबाशी नहीं देते, ऐसा भी समय आ जाता है जिस बंदे को लोगों ने नकारा, एक वक्त ऐसा आ जाता है लोग उसकी नकलें करनी शुरू कर देते हैं जी। अगर बनना है तो ऐसा बनना है, सच्ची बात बोल रहा हूं जी। आखो धन गुरु रामदास जी, सारे बोलो धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो धन बाबा। हर फील्ड में मेहनत की जरूरत है, मेहनत करो डट डट के। ये जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी न्यू जनरेशन बैठी है, जितने बड़े बैठे हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है सबसे। अब मैं एक बड़ी जरूरी और बात करने लगा हूं आपके समक्ष, एक बार पूछ लूं, कायम हो? ऊपर वाले भी सारे कायम बैठे? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके। बस यही पॉजिटिविटी मुझे चाहिए आपकी तरफ से, यही पॉजिटिविटी। अब सुनो अगली बात, दुनिया में ना दो तरह के बंदे हैं, अब जरूर नजर डालना, मैं भी अपने अंदर नजर डालूंगा, आप भी डालो। एक है उद्यमी, उद्यमी उद्यमी समझते हो ना, जो उत्साह के साथ काम करते हैं, लगन के साथ, जो भी उनको ड्यूटी दे दो बस लगन के साथ लगे हैं, एक उद्यमी है और एक आलसी है। पहले तो नजर डालो, मैं उद्यमी हूं कि आलसी, जरूर देखो अपने अंदर। अगर तो आलसी है तो आज से आलस पुणे का ये जो रोग है इसको खत्म करना है, खत्म मिटाना है। अब सुनो, उद्यमी लोग वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब मान लो मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, एक वक्त ऐसा भी आया मेरी लाइफ में कि मुझे कई लोगों ने, क्योंकि मैं जब इस लाइन पे शुरू होने जा रहा था तो कई जगहों पे मैंने नौकरियां भी की। सुनिए, मैंने पिछला जो नई सोच नया आगाज प्रोग्राम है ना, उसको जरूर देखना यूट्यूब पे जाके, हमारा ऑफिशियल चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, अभी भी उस पर लाइव चल रहा है। जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं उनको विनती करूंगा 10-10 बंदों को ये मैसेज शेयर कर दो, ताजो और संगत जुड़ सके और न्यू जनरेशन जुड़ सके। मैंने उस प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी, उसमें मैंने पूरी डिटेल बोली, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको। अब इस फील्ड में आने से पहले मैंने 2-3 जगहों पर नौकरियां भी की, केमिस्ट की दुकान पर भी नौकरी की, ग्रोसरी शॉप पे भी नौकरी की, और मुझे कई लोगों ने यहां तक बोल दिया था कि तू कीर्तन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मगर सच्ची बात बोलूं, मुझे विश्वास था गुरु रामदास के ऊपर,
मैंने कभी किसी बंदे के ऊपर भरोसा नहीं किया। मुझे विश्वास था बाबा दीप सिंह जी के ऊपर। मन में ये बात मैंने पहले दिन से ही ठान ली थी। मैंने कहा जो भी हो जाए, आला दुआला, चाहे घर के मेंबर ही मुझे रोक रहे हैं ना, जो मर्जी हो जाए, करना तो कीर्तन ही है। जब एक निश्चय करके आगे बढ़ा ना, पापा से मैंने मार भी बड़ी खाई है। वो पंजाबी च कहते ना, छित्तर परेड भी बड़ी हुई मेरी है। ओ, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा। मगर एक मन में बात पक्की फिक्स कर ली थी कि जो मर्जी हो जाए, कीर्तन करना है ते करना है। तो गुरु की मेहर हुई, जैसे जैसे करते गए, संगत का प्यार मिलता गया। और ये बात सुन के आशीष देना जयकारे के रूप में, आज गुरु की कृपा से मेरी उम्र 44 साल है और गुरु की मेहर से तकरीबन मुझे 35 साल हो गए कीर्तन करते हुए। 35 साल छोटी सी उम्र में बड़ा स्ट्रगल भी किया है, छोटी सी उम्र में नौकरियां भी की हैं, छोटी सी उम्र में ये सफर शुरू हुआ। तो आज ये सफर इतना बढ़ गया गुरु की मेहर से, मैं आपको बता नहीं सकता। जिधर भी हम जा रहे हैं, जैसे आप बैठे हो ना, इससे भी 10-10 गुना ज्यादा संगत भी और प्यार करने वाले, और ज्यादातर न्यू जनरेशन के बच्चे जी। हम तो आपके परिवारक मेंबर हैं, हम तो रोज कीर्तन सुनते हैं, 3 से 4 जुड़ते हैं, रात को 10 से 11 पीटीसी सिमरन पे देखते हैं। मुझे फिर अंदर बड़ी खुशी महसूस होती है। ये मैं बिनती कर रहा हूं, उद्यमी लोग वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, इसके उल्ट आलसी लोग वो करते हैं प्यारे जो उनको करना पड़ता है। अगर ड्यूटी लगा दी कि ये कर, अच्छा जी कर ही लेने हैं जी, इतना नहीं। उद्यमी बनो, जो मन में अच्छी बात रख ली ना, उसके लिए पूरा जुनून के साथ आगे बढ़ो, जुनून के साथ। उद्यमी लोग, सफल लोग, उनका हर काम किसी मकसद से जुड़ा होता है, हर काम। इसके उल्ट आलसी और असफल लोग जो है ना, दिन भर इधर उधर के फर्जी काम करते हैं। वो कहते ना, पंजाबी में कहावत है, कम वाले नू एक कम ते वेलिया नू 100 कम, है जी, सच्ची गल है। काम वाले को एक काम और जो फ्री है उनको 100 काम। नजर डालो अपने अंदर, चले ना, हमारी गिनती उद्यमियों में है कि आलसियों में? सच्ची बात बोलना, उद्यमी के आलसी हैं? उद्यमी आलसी, डबल डबल आवाज आ रही, किसी की उद्यमी किसी की आलसी। चलो अच्छी बात है, संगत में आके अगर सच नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे, है जी। अगर कोई आलसी भी है ना, अगर बोल दिया ना संगत में कि मैं आलसी हूं, सच्ची बात आया आलसी है, जाएगा उद्यमी बन के ही। क्योंकि ये संगत है, संगत में गुरुजी आप बसते हैं। जैसे जैसे ख्याल आप बनाते जाओगे ना, वैसी वैसी कृपा आपके ऊपर बरसती जाएगी। आखो तन गुरु रामदास जी। हाँ, ये अच्छा किया, लाइट ऐसे जगने दो, मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे ऐसे। तो मैं बात कर रहा था, उद्यमी लोग, सफल लोग, उनका हर काम किसी ना किसी मकसद से जुड़ा होता है। इसके उल्ट जो आलसी असफल लोग हैं, वो दिन भर इधर उधर के फर्जी काम करते हैं। एक बात और बोलूं, कैम हो उद्यमी और सफल लोगों के पास हर मुश्किल का हल होता है, हर मुश्किल का। मुश्किल आती है, किसकी लाइफ में मुश्किल नहीं आती? मेरी लाइफ में नहीं आई कि आपके लाइफ में नहीं आ रही या आएंगी, ये गारंटी तो है ही नहीं पक्की। मुश्किल तो आएगी आएगी, अगर हम जीवित इंसान हैं, मुश्किल तो आएगी ही आएगी, ये स्वाभाविक बात है। मगर जो उद्यमी लोग हैं ना, मुश्किल के समय बस टेंशन नहीं अपने अंदर आने देते। मुश्किल के समय में अगर एक पार्ट जपजी साहिब करते तो एक और बढ़ा देते हैं, है जी, सच्ची बात है। मुश्किल मेरी नहीं, अगर मैं आज सुख भोग रहा हूं,
वो किसने दिए? परमेश्वर जी तूने दिए। ऐसा ही होता है ना, हम कहते हैं ना महाराज तेरी कृपा से ये सुखों का समा आया, सुख का समा आया तेरी कृपा से। आज मेरी एक फैक्ट्री थी, आज एक और लग गई तेरी कृपा। मेरे बच्चे मेरा कहा मान रहे तेरी कृपा। हर कुछ जो मुझे अब प्राप्त हुआ है सब तेरी कृपा। सुख जितने भी मेरे पास वो तेरे, तो दुख किसके? दुख किसके? अगर सुख देने वाला तू तो दुख देने वाला भी तू ना। अगर सुख दिए हैं तो कृपा कर ये दुखों के समय को भी खुद ही काट दे। सुख देने वाला भी तू, दुख देने वाला भी तू, बस ये कृपा कर। मैंने अभी मुरादाबाद सत्संग हुआ था, उसमें मैंने बोला था गुरबाणी दुखों को भी काटती है, मगर एक चीज है जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं अमृत वेले उठते हैं, महाराज की वाणी ये अमृत वेला हमारे अंदर इतनी ताकत भर देता है कि बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा भी कोई दुख आ जाए ना, उस दुख का सामना कैसे करना है ना, गुरु की वाणी हमें ये भी सिखाती है, ये भी। अब ध्यान देना, उद्यमी सफल लोगों के पास हर मुश्किल का हल है, आलसी और असफल लोग हर काम में उनको मुश्किल ही दिखाई देती है। यहां पे आना है ना, मान लो यहां पे आए हो, ये कितना बड़ा हॉल है, सारा पैक, सीढ़ियों में भी बैठे हैं, ऊपर भी बच्चे बैठे हैं, जिधर देख रहा हूं सारे बैठे हैं। अब कई तो आ गए चाव से, कई ऐसे भी आए होंगे, अच्छा 20 किलोमीटर जाना है, चल मम्मी छड़ ही दे, है नहीं। कई ऐसे भी होंगे घर वाली ने घर वाले को भी बोला होगा, कई जगहों पे घर वाले ने घर वाली को भी बोला होगा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतनी दूर जाके क्या करेंगे। क्यों? कारण क्या कि मन आलसी, आलसीपना दिखा रहा है। और जो उद्यम करके यहां पे आ गए, एक मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितने आप ऊपर भी बैठे हो ना बच्चों ध्यान देना, एक आज गारंटी से बात मैं बोल सकता हूं, गारंटी से। जब ये प्रोग्राम की एड हुई, हजारों संगतों तक मैसेज पहुंचा, हजारों नहीं मैं कहता हूं लाखों तक पहुंचा होगा, मैं रोज 3 से 4 भी बोल रहा था। अब लाखों तक मैसेज पहुंचा, मगर वो लाखों की गिनती में तो सारे नहीं आए ना, हजारों की गिनती में आए, मगर जिन तक पहुंचा सारे थोड़ी आ गए। मुझे एक विश्वास है यहां पे तो आया वो है जिसको मेरे गुरु नानक, मेरे गुरु रामदास ने खुद बुलाया है। तो मैं जो बात कर रहा था कि यहां पे तो आया वही है जिसको मेरे गुरुदेव ने कृपा करके खुद बुलाया है, और एक बात गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं, जब आपके घर में कोई विशेष मेहमान आए ना, विशेष मेहमान जिसको आपने इनविटेशन दे के बुलाया है कि आप आओ, जब उसको विदाईगी देते हो तो उसको कभी खाली नहीं आप भेजते, कुछ ना कुछ माया दे के, शगन दे के, या उनके कपड़े, उनके बच्चों के कपड़े दे के, भाई तू आया स्पेशल इतनी दूर से चल के, ये मेरी तरफ से अपने परिवार के लिए ये चीजें लेके जा। ऐसा ही होता है ना। अगर देखो एक आम इंसान किसी को इन्विटेशन दे के स्पेशली तौर पर बुलाता है, तो विदाईगी के समय उसको खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ दे के भेजता है। अगर हमें आज गुरुदेव ने कृपा करके बुलाया है, स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया है, तो ये विश्वास रखना आज जब गुरुदेव पिता भी यहां से हमें विदाईगी देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कोई ना कोई अपनी मेर, कोई ना कोई बख्शिश दे के ही भेजेंगे। बस ये विश्वास रखना, ये मेरी बिनती है। आखो तन गुरु रामदास जी, बड़ा प्यारा नाम है बाबा, बाबे दा बड़ा प्यारा नाम, प्यार ना लखो तन बाबा दीप सिंह जी। मैं जो बात कर रहा था, जो उद्यमी लोग हैं हर मुश्किल का हल है उनके पास, और जो आलसी लोग हैं ना हर काम में मुश्किल ही ढूंढते हैं,
यहाँ पे आते समय भी उनको मुश्किल लगी होगी, हाय चलने यार है जी। अच्छा 7:30 शुरू होगा प्रोग्राम, कोई नहीं 8:30 ही पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी भी सोच होती है ना सोच, नहीं प्यारे हो। बस सोच ये रखो, कहीं पे भी अगली बारी ये प्रोग्राम होवे 7:30 का समय तो 6:30 पहुंचने हैं, 6:30।